पूर्व जो कांग्रेस में एक समय थे आज अन्य पार्टी में है, वो आज वापस कांग्रेस लौट चुके हैं। आज हमारे पूर्व एमएलए मिनिस्टर और वरिष्ठ एससी के लीडर प्रकाश बाबू भी वापस आ गए हैं पार्टी में। देवाशीष चंद जो कैलाश शहर में काउंसलर है, उनके फैमिली भी कांग्रेस में बहुत साल से थे, वो भी वापस आ चुके हैं। और हमारे प्रिय लीडर पूर्व एमएलए एआईसीसी का मेंबर और आज के दिन एक्स बीजेपी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुभम बाबू वो भी पार्टी में आ चुके हैं। जब मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का रोल लिया था उस समय मैंने कहा था कि जो भी कांग्रेस पार्टी में वापस आना चाहता है, जो भी कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी को प्यार करता है, समझता है, उनको आदर देकर हम कांग्रेस पार्टी में वापस लाएंगे। आज ये दूसरा कदम है, पहले तो समीर बाबू आ चुके हैं। समीर बाबू असल में पार्टी छोड़ के गए भी नहीं थे, लेकिन आज जो हो रहा है वो है परिवर्तन और वापस घर वापसी। जो बीजेपी बहुत कहता है असली घर वापसी आज हो रहा है। हम तीनों लीडर को जो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनको आदर से, नमन से और सम्मान देकर हम यहाँ में हमारे बिरजीत बाबू है, गोपाल बाबू है, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी भूपेन बोरा जी हैं, महिला कांग्रेस इंचार्ज मैडम किम है, हमारे पास समीर बाबू हैं, वाइस प्रेसिडेंट पीयूष बाबू हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है यहाँ में, हमारे एडवाइजर अपने राजेश जोशी जी हैं, मैडम लक्ष्मी नाग है, महिला प्रेसिडेंट है, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई प्रेसिडेंट है। हम सब एक परिवार होकर ये तीन मेंबर्स को जो वापस आ रहे हैं सम्मान देकर, आदर देकर कांग्रेस पार्टी में वापस आ रहे हैं। आज हमारे पूर्व जो कांग्रेस में एक समय थे आज अन्य पार्टी में है, वो आज वापस कांग्रेस लौट चुके हैं। आज हमारे पूर्व एमएलए मिनिस्टर और वरिष्ठ एससी के लीडर प्रकाश बाबू भी वापस आ गए हैं पार्टी में। देवाशीष चंद जो कैलाश शहर में काउंसलर है, उनके फैमिली भी कांग्रेस में बहुत साल से थे, वो भी वापस आ चुके हैं। और हमारे प्रिय लीडर पूर्व एमएलए एआईसीसी का मेंबर और आज के दिन एक्स बीजेपी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुभम बाबू वो भी पार्टी में आ चुके हैं। जब मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का रोल लिया था उस समय मैंने कहा था कि जो भी कांग्रेस पार्टी में वापस आना चाहता है, जो भी कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी को प्यार करता है, समझता है, उनको आदर देकर हम कांग्रेस पार्टी में वापस लाएंगे। आज ये दूसरा कदम है, पहले तो समीर बाबू आ चुके हैं। समीर बाबू असल में पार्टी छोड़ के गए भी नहीं थे, लेकिन आज जो हो रहा है वो है परिवर्तन और वापस घर वापसी। जो बीजेपी बहुत कहता है असली घर वापसी आज हो रहा है। हम तीनों लीडर को जो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनको आदर से, नमन से और सम्मान देकर हम यहाँ में हमारे बिरजीत बाबू है, गोपाल बाबू है,
हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी भूपेन बोरा जी हैं, महिला कांग्रेस इंचार्ज मैडम किम है, हमारे पास समीर बाबू हैं, वाइस प्रेसिडेंट पीयूष बाबू है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, यहाँ में हमारे एडवाइजर अपने राजेश जोशी जी है, मैडम लक्ष्मी नाग है, महिला प्रेसिडेंट है, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई प्रेसिडेंट है, हम सब एक परिवार होकर ये तीन मेंबर्स को जो वापस आ रहे हैं सम्मान देकर आदर देकर कांग्रेस पार्टी में वापस आ रहे हैं। एक दरख्वास्त करूंगा कि हमारा जो मैसेज है किसी आइडियोलॉजी किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है। जो भी कांग्रेस को छोड़कर गया है मैं मीडिया के माध्यम से आपको हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा मैसेज क्लियर है कि हम जो भी घर से दुख होकर वो चले गए हैं अगर उनको वापस आना है तो कांग्रेस पार्टी और उनका दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। और ये कांग्रेस पार्टी एक मंदिर है और यहाँ में जो भी आएगा उनको आप हम शरण देंगे और उनको इज्जत से प्यार से पार्टी में वापस कांग्रेस जैसा पहले था वैसा हम करेंगे। यही मैं बोलकर आई गिव दिस माइक ओपन टू आवर सीनियर लीडर्स। थैंक यू वेरी मच।